कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे लॉकडाउन में और सोच रहे होगे ना कुछ लोगों की तो उथल पुथल हो रही होगी कि घर में रहते रहते बोर हो गया तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, सोच रहे होंगे बाहर पार्टी करने का मौका मिलता, घूमने का मौका मिलता, टूर पे जाने का मौका मिलता, क्योंकि अब तो ऐसा मौसम आ गया है मतलब घर में भी रहना मुश्किल हो रहा है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग घर में रह रहे हैं, जैसे पनौती बोलते थे ना पहले, आज उन पनौती का देखना कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना दोस्तों अच्छा लग रहा है। और उन लोगों के लिए कोई मतलब घर में रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन बाहर जाने पे उनको कितना बुरा लगेगा। अभी अगर जाएंगे उनको रुकने मिल रहा है, जो लोग बाहर जाने वाले हैं ना चुलबुली है हाथ पैरों में, तो उनका देखना क्या फायदा होने वाला और क्या घाटा होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग घर में रह रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिन लोगों को चुलबुली है ना कि बाहर घूमने की, बाहर जाने की, और जो कि बाहर घूमने जा रहे हैं कूदने जा रहे हैं तो मामू बाहर मिल जाते हैं पुलिस वाले, या फिर आप कहो तो कि आपको क्वारंटीन कर देंगे और फिर जो है ये सारी सजाएं आपको मिलेंगी, तो इसलिए घर से बाहर ना निकलो। और जो है आप ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलते हो तो आप लोगों को डंडे ही खाने को मिलेंगे, मतलब हाथ पर धोड़ के और मतलब पिछवाड़ा लाल कर देंगे, तो इसलिए भाई घर पे रहो। अब उन लोगों के लिए क्या है कि जो लोग घर पे रहते थे पहले से, पनौती बोलते थे ना, पूरे पूरे दिन सोते थे, तो क्या होगा अब जो लोग सो रहे हैं तो मम्मी पापा भी रोकने टोकने वाले नहीं है। और अब उन लोगों के लिए, अब घर में जो रहते थे कि भाई बहन और सब लोग जो रहते थे, तो बहन कहती थी, मम्मी कहती थी, वो चीज लिया वो चीज लिया, बाजार से ऐसा लिया वैसा लिया, पलाना ढंग का लिया, तो अब उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जो है फायदा, नो टेंशन, स्ट्रेस फ्री रह रहे हैं, मतलब कि उनको कोई तनाव भी नहीं है, ना कोई टेंशन है कि कहीं जाना है कहीं खाना है, तो भाई खाली खाना है और बस आपको रजाई में लेटना है चादर ओढ़ के, तो इसी तरीके से लोग लेटे हैं। अब क्या हुआ कि कुछ लोग तो पहले से कहते थे ना कि पनौती है, जो लेटे रहते थे ज़्यादा देर, तो कहते पनौती है शनिचर है। अब भाई सभी लोग वो ही पनौती नहीं है, वो ही देखो अब वो तो पहले तो बुरे बनते थे, लेकिन अब क्या, अब जो सही थे वो भी पनौती कहला रहे हैं, मतलब कि पनौती तो पनौती था ही, लेकिन जो पनौती नहीं थी वो भी पनौती कहला रहे हैं, तो सुना होगा ना। तो इसलिए घर में रहो और सेफ रहो, और ये कोरोना की बीमारी जो है ना, मतलब संक्रमण जो है ये ठीक नहीं है और लोगों में बाहर निकलने से ही फैलता है, इसीलिए तो कहते हैं कोई रोड पर ना निकले, मतलब कोरोना तो इसकी फुल फॉर्म यही है। तो घर में रहो, सेफ रहो, और जिस किसी के हाथ पैर में चुलबुली है ना घर से बाहर जाने की, तो सोच लो उसका क्या हाल होगा। तो भाई घर में रहने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, देखो स्ट्रेस फ्री हो, देखो घर में रहने से स्ट्रेस फ्री हो गए कि अब ना घर वाले कुछ कहेंगे, कुछ लेके आओ, कुछ शॉपिंग करने जाओ, बोलाओ बोलाओ, दुकान से वो चीज़ खरीद लाओ, वो सौदा खरीद लाओ, ये सारी सौदा कौन लाएगा, कि मतलब कहीं जाना भी नहीं है, घर में ही रहना है, ऐसा मौसम बार बार नहीं आने वाला है। हाँ, और देखते हो कि एक्सीडेंट से बचना है, अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो एक्सीडेंट से बचना है, क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हो ट्रैफिक चलता है तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, तो उससे भी बचना है, मतलब देख सकते हो कितने चीज़ों से फायदे हैं हमारे घर में रहने से, और बीमारियों से मुक्ति पाना है, अगर हम घर में रहते हैं तो कितने सारे फायदे हैं, हम बीमारियों से भी मुक्ति पाते हैं, और देख सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज देखिए तो लोग अब जो बीमार भी नहीं हो रहे हैं, और देख सकते हो घर पर रह रहे हैं तो भाई वो क्या कर रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं तो एक्सरसाइज ही करें, ये भी बहुत अच्छा फायदा है, अपने शरीर को बना लें। वैसे तो क्या होता है, अगर पढ़ाई करते रहते तो पढ़ाई का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि 8-9 तक के बच्चे तो वैसे ही पास हो जाएंगे, 11 वाले भी, तो इन लोगों को तो टेंशन ही नहीं है। अब अपना शरीर पर ध्यान दें, खाएं पिए तंदुरुस्त हो जाएं, जय दिन है जय मौके हैं भाई, बार बार नहीं आते हैं ऐसे मौके, तो कम से कम घर में हो तो इस समय अपने सेहत पर ध्यान रखो, और जो अपनी डेली की रूटीन में एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं तो एक्सरसाइज ही करो, ये बहुत बढ़िया है, मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या घर पे हमें एक्सरसाइज ही करेंगे, अपनी बॉडी सॉडी को बनाएंगे, फिटनेस रखेंगे, ये फिटनेस पे भी ध्यान दो भाई, क्योंकि वरना पेट का वजन बढ़ गया, शरीर का वजन बढ़ गया तो ये बहुत जल्दी घटने वाला नहीं है, और आप सोच सकते हो कि जल्दी घटेगा नहीं, तो सोच सकते हो हमको बहुत परेशानी होती है शरीर में, दर्द से समस्याएँ होती हैं कुछ लोगों की, तो नींद पूरी, मतलब कह रहे हैं कि सोए भी कहाँ तक, मतलब कुंभकर्ण नाम बन जाए क्या करें, कुंभकर्ण बन जाए क्या करें, मतलब रावण बन जाए क्या करें, तो कब तक सोते रहें भाई, मतलब वास्तव में कुंभकर्ण बन गए सभी लोग
तो भाई सोते रहो, अब सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो, घर में ही रहो, जो भी कुछ करना है घर में ही करो, घर से बाहर तो कहीं जाना ही नहीं है। तो ये सारी तरीकों से मुक्ति पाना है तो भाई घर में रहो। अगर आप भी अगर भाई सोचते हो बाहर जाने की, तो पहले सोच लेना कि बाहर मामा जी भी मिल जाएंगे पुलिस वाले, तो वो क्या हाल करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर हम मतलब कि अगर उल्लंघन करते हैं इस चीज़ का, तो हमको जो है इसकी सज़ा वो कितनी पड़ेगी। इसलिए घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहें, सेफ रहें भाई। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, और भाई घर पे सब लोग कैसे हमको कमेंट में जरूर बताएगा। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है, मैंने कहा क्यों ना आज दोस्तों के ऊपर ये मतलब घर पे रहने के फ़ायदे बताया है, तो मैंने आज आप लोगों को घर पे रहने के फ़ायदे बताए। अगर दोस्तों आपकी कोई भी समस्या आया है, कोई भी आपको बात पूछनी है, तो कमेंट में आप मेरे से पूछ लिया करो और कमेंट कर दिया करो। आप लोगों के सेफ्टी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए चलते हैं, खुश रहो, सलामत रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, टाटा।